भगत सिंह ने अपनी बैरक की मुस्लिम महतरानी बेबे से कहा, बेबे शाम को फांसी से पहले मेरे लिए कुछ खाना बना कर ले आना। बेबे गदगद हो गई। उसने वादा किया कि वह शाम से पहले ही खाना स्वयं बना कर ले आएगी। उसी दिन भगत सिंह ने क्रांति कुमार को भी याद किया। कमबख्त रसगुल्ले लाने वाला यार भी नहीं आया। मगर शाम को न तो बेबे को अंदर आने दिया गया और न ही क्रांति कुमार को। दोपहर बाद जेल के भीतर व बाहर अचानक गतिविधियां तेज हो गई। पिछली दफा मैंने आपसे कहा था कि अगली बार मैं आपसे बात करूंगा कुछ अंतिम लम्हों के, और वो अंतिम लम्हे हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के। भले ही इन्हें भारत के लोग अपना महानायक मानते हों, मगर हकीकत यह भी है कि वह जन्मा भी मेरे सूबे में और शहीद भी यहीं मेरी आबादी में हुआ। अविभाजित भारत के दो महानायकों के बारे में चर्चा, शोध, नए नए खुलासों का सिलसिला अभी तक जारी है। पहले महानायक हैं सुभाष चंद्र बोस और दूसरे भगत सिंह। बोस भी यहां मेरी गलियों में खूब घूमे। लाहौर के कई लोगों को उनसे मुलाकातें आज भी याद हैं। यहाँ के एक और नौजवान क्रांतिकारी थे जिनका नाम था क्रांति कुमार। शहीद आजम के लाडले दोस्त थे। क्रांति कुमार का मूल नाम हंसराज था, मगर एक क्रांतिकारी हंसराज के सरकारी मुखबिर बन जाने के कारण स्वयं भगत सिंह ने अपने दोस्त हंसराज का नाम बदलकर क्रांति कुमार रख दिया। दोस्ती इतनी गहरी कि शहीद आजम ने अपने द्वारा स्थापित आजाद नौजवान सभा का दूसरा महासचिव क्रांतिकारी को बनाया था। पहले महासचिव गणपत राय जब गिरफ्तार कर लिए गए तो भगत सिंह ने उनके स्थान पर यह नियुक्ति की थी। क्रांति कुमार ने अपने संस्मरणों में नेताजी से हुई निजी मुलाकातों पर बहुत कुछ लिखा था। भारतीय पंजाब के एक आईएसआर के कौशिक ने भगत सिंह के अंतिम दिनों को लेकर एक ठोस शोध कार्य किया। उन दिनों के कई सरकारी दस्तावेजों को खंगालने और उस काल के कुछ बचे खुचे लोगों से प्रामाणिक जानकारी के आधार पर कौशिक ने अनेक नई जानकारियां विश्व के सामने रखी। श्री कौशिक के अनुसार ये तीनों भारत की सामूहिक चेतना व जागरूकता के प्रतीक बन गए थे। यह तथ्य अब इतिहास में दर्ज है कि शहीद आजम व उनके दोनों साथियों राजगुरु व सुखदेव को मेरी सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। इससे पहले 16 मार्च को मेरे गवर्नर हाउस में शहरी व सूबे में कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए विशेष बैठक बुलाई गई थी। वैसे भी उन दिनों पंजाब के गवर्नर जाफरी माउंट मोरेसी भी इस कड़ी सुरक्षा के घेरे में रहते थे। कुछ समय पूर्व पंजाब विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के मध्य एक युवा स्वाधीनता सेनानी हरि किशन तलवार ने गोली चला दी थी। माउंट मोरेसी बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। उस दिन जब बैठक बुलाई गई तब भी माउंट मोरेसी घावों की पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाए थे। उसी बैठक में पंजाब के मुख्य सचिव डीजी बाइड, गृह सचिव आईजी जेल और जिलाधीश आदि शामिल थे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फांसी 24 मार्च की सुबह के लिए तय थी। श्री कौशिक द्वारा संकलित विवरण के अनुसार 22 मार्च की रात मेरी पूरी शहरी आबादी एक तूफान से जूझ रही थी। इससे पहले हाईकोर्ट के न्यायाधीश M.V. भिंडे ICS उस याचिका को खारिज कर चुके थे जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के खिलाफ सुनवाई करने वाले स्पेशल ट्रिब्यूनल के अधिकारी को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि उस ट्रिब्यूनल को डेथ वारंट जारी करने का अधिकार ही नहीं था। 23 मार्च को सुबह सब कुछ शांत था, आंधी थम गई थी, मगर सेंट्रल जेल में जेल सुप्रिटेंडेंट मेजर PD चोपड़ा के कमरे में कानाफूसी जारी थी। भगत सिंह से आखिरी मुलाकात का समय प्रातः 10 बजे का तय था। भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता सबसे पहले मिले। भगत सिंह ने उन्हें कुछ नए कागजों के पुलिंदे सौंपे और मेहता नम आंखों से बमुश्किल स्वयं को संभालते हुए बाहर आए। उसके बाद चोपड़ा व 4 अन्य अधिकारी स्टीड, बार्कर, रॉबर्ट्स और हार्डिंग
उनसे मिले। वे भगत सिंह को अपनी ओर से परामर्श दे रहे थे कि वह ब्रिटिश साम्राज्य से क्षमा की अपील करे, मगर भगत सिंह ने उनकी पूरी बात सुने बिना ही यह सलाह रद्द कर दी। 24 मार्च को संभावित जनाक्रोश के मद्देनजर फांसी 23 मार्च की शाम को ही देने का निर्णय ले लिया गया। यह सूचना सीनियर जेल वार्डन छतर सिंह ने बेहद भारी मन व उखड़े हुए लहजे में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी थी। उस दिन सूरज भी उदास उदास निकला था, मगर भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव पूरी तरह से संयत व शांत थे। भगत सिंह ने अपनी बैरक की मुस्लिम महतरानी बेबे से कहा, बेबे शाम को फांसी से पहले मेरे लिए कुछ खाना बना कर ले आना। बेबे गदगद हो गई। उसने वादा किया कि वह शाम से पहले ही खाना स्वयं बना कर ले आएगी। उसी दिन भगत सिंह ने क्रांति कुमार को भी याद किया। कमबख्त रसगुल्ले लाने वाला यार भी नहीं आया, मगर शाम को न तो बेबे को अंदर आने दिया गया और न ही क्रांति कुमार को। दोपहर बाद जेल के भीतर व बाहर अचानक गतिविधियां तेज हो गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शेख अब्दुल हमीद, सिटी मजिस्ट्रेट राय साहब लाल नाथुराम, कसूर के डीएसपी सुदर्शन सिंह, डीएसपी हेडक्वार्टर्स जेआर मॉरिस, सैकड़ों पुलिस जवान सहित जेल के भीतर पहुंच चुके थे। सबके मन में कहीं ना कहीं अपनी निजी सुरक्षा को लेकर भी डर बैठ गया था। जल्लाद मसीह, जो कि मेरे नजदीकी कस्बे शाहदरा का रहने वाला था, वो भी वहां पहुंच चुका था। तीनों क्रांतिकारियों को जब उनकी कोठरियों से बाहर लाया गया तो तीनों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। सबको सुनाई पड़ा, भगत सिंह ने यही कहा था, लोग जल्दी ही देखेंगे और सदा याद रखेंगे कि भारतीय आजादी के सिपाही कितनी बहादुरी के साथ मौत का फंदा चूमते हैं। तीनों ने काला कपड़ा मुंह पर लपेटने से इनकार कर दिया था। भगत सिंह ने तो काला नकाब डिप्टी कमिश्नर के चेहरे पर दे मारा था और उसका आखिरी नारा था, ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मसीह ने फांसी के तख्ते का लीवर खींचा। भगत सिंह पहले शहीद हुआ, फिर राजगुरु और अंत में सुखदेव। फांसी के समय मौजूद अन्य लोगों ने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल हार्पर नेल्सन और सिविल सर्जन लेफ्टिनेंट कर्नल एन एस सोठी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने ही तीनों शहीदों की मृत्यु तस्दीक की। उस समय भी जेल के बाहर सैकड़ों लोग एकत्र हो चुके थे। दो पुलिस अधिकारी सुदर्शन सिंह और अमर सिंह तीन फौजी ट्रकों के साथ तीनों शहीदों के शव वहां से निकाल कर ले गए। उनके साथ एक सिख ग्रंथी व कसूर का एक ब्राह्मण पुजारी जगदीश आचार्य भी थे, ताकि अंतिम क्रिया के शवों को रात 10 बजे हुसैनीवाला के पास गंडा सिंह वाला गांव के बाहर चिता की लपटों के हवाले कर दिया गया। उनकी अस्थियां भी जल्दबाजी में ही सतलुज नदी में बहा दी गई। वैसे मेरे नाम से जुड़े इस लाहौर षड्यंत्र केस की टीस मेरी रूह में हमेशा बनी रहेगी। तकलीफ इस बात की भी रहेगी, इतनी वैचारिक शहादतों को भी मेरे लोगों ने उनकी महानता व मुताबिक सम्मान ही नहीं दिया। ये शहीद जिस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बान हुए, उसी मुल्क का एक हिस्सा आज का पाकिस्तान भी था। दूसरी तकलीफ मुझे इस बात की भी हुई कि इस नापाक केस में उन सबको पुरस्कारों सम्मानों से नवाजा गया जो या तो मुखबिर बने या झूठे सरकारी गवाह। इस मामले में 457 लोगों की गवाहियां हुई थी। इनमें शहीदों के चार साथी हंसराज वोहरा, जयगोपाल फणीन्द्रनाथ घोष और मनमोहन बनर्जी सरकारी गवाह बन गए थे। वोहरा के मन में कहीं अपराध बोध का अंश भी था। उसने नगद पुरस्कार या जागीर लेने से इनकार कर दिया था, मगर उसे सरकारी खर्च पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। बाद में उसने जर्नलिज्म की डिग्री ली और वाशिंगटन में एक भारतीय अखबार का रिपोर्टर बनकर चला गया।
वहीं 40 के दशक में उसकी कहीं मृत्यु हो गई। जयगोपाल को 20,000 का नगद पुरस्कार मिला, जबकि फणीन्द्रनाथ घोष और मनमोहन बनर्जी को बिहार के जिला चंपारण में 50-50 एकड़ भूमि दी गई। उस समय के जेल सुप्रिटेंडेंट मेजर चोपड़ा को DIG जेल बना दिया गया और IG जेल F.A. बारकर को नाइटहुड से सम्मानित किया गया। फांसी के समय डिप्टी सुप्रिटेंडेंट खान साहब मोहम्मद अकबर खान भावुक होकर रोने लगे थे। उन्हें सजा के तौर पर ASP बना दिया गया और 7 मार्च 1931 को खान साहब का सम्मान भी वापस ले लिया गया। DSP सुदर्शन सिंह, जिसने तीनों शहीदों के शवों की अमानवीय तरीके से अंतिम क्रिया संपन्न की थी, उसको भी अतिरिक्त SP कसूर के पद पर तरक्की दे दी गई थी। शहीद आजम भगत सिंह ने अपने हस्तलिखित 4 लेख फांसी वाले दिन वकील प्राणनाथ मेहता को सौंपे थे। मेहता ने चारों लेख भगत सिंह के एक साथी विजय कुमार सिन्हा को दे दिए थे। सिन्हा ने अपने जालंधर में रहने वाले एक दोस्त के घर में लेख छिपा दिए, मगर उस दोस्त ने पुलिस के एक छापे के मध्य भय के मारे सारे लेख चूल्हे में फेंक दिए और इस तरह से उस महान शहीद के महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए। यूं तो मेरा सारा इतिहास, मेरी समूची जिंदगी लूट मार के हादसों से भरी है, मगर इसके बावजूद मेरी मूल पहचान कायम रही। किसी भी लुटेरे या शहंशाह या राजा ने ना तो मेरा नाम बदला और ना ही पहचान को नष्ट करने की बात सोची। अनारकली बाजार, दिल्ली दरवाजा, शाह आलमी गेट, कृष्णा स्ट्रीट, लक्ष्मी मैंशन, भीड़ भरे बाजारों में उठने वाले खोमचे वालों की आवाजें, रिक्शा वालों की बात करने का लहजा, कुछ भी तो नहीं बदला। अकबर जहांगीर के वक्त से लेकर महाराजा रंजीत सिंह और गोरे अंग्रेजों के गवर्नरों के वक्त तक और अब 14 अगस्त 1947 को एक आजाद मुल्क की शक्ल लेने वाले पाकिस्तान में बोलचाल, रहन सहन, खान पान व पहनावे में कोई लंबे चौड़े बदलाव नहीं आए। और अगली दफा बात करूंगा 1947 की, क्योंकि यह साल इस पूरे महाद्वीप में ऐतिहासिक उथल पुथल का साल बन गया था। साल के शुरुआती दिनों में भी अब लगभग तय माना जाने लगा था कि बंटवारा होगा, मगर तब भी मेरे शहर का मध्यम व निम्न मध्यम वर्ग समय की दीवार पर लिखी जा रही इस इबारत को मंजूर करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था। 1947 को याद रखने के लिए आपको मुझे याद रखना होगा, क्योंकि मैं लाहौर हूं, ते जिस लाहौर ने वेख्या और जम्या ही नहीं।